हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग जो लोगों में मिथ है, और एक मिथ बड़ा है जिसके कारण लोग जो है दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से डरते हैं। बहुत बार पेशेंट पूछता है, सर ये बहुत पेनफुल सर्जरी है, इसमें दर्द होगा, मेरे को इस दर्द मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे को राइनोप्लास्टी नहीं कराना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। राइनोप्लास्टी बिल्कुल पेनफुल सर्जरी नहीं है। जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं, जैसे आपको पता है राइनोप्लास्टी क्या है, दैट मीन्स राइनोप्लास्टी इज ए नोज जॉब। राइनोप्लास्टी एक नोज जॉब है जिसमें अपना जो नोज है उसको, अपना जो रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स है उसके हिसाब से उसको समायोजित किया जाता है। वो फंक्शनल भी है, वो कॉस्मेटिक भी हो सकता है, एंड वो दोनों भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस सर्जरी को करने के लिए पेशेंट को जो है वो जनरल एनास्थीशिया दिया जाता है, या बहुत बार लोग लोकल एनास्थीशिया में भी करते हैं, बट जनरल एनास्थीशिया बेटर होता है। आप अपने डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि सर मेरी सर्जरी है, मेरे को जनरल एनास्थीशिया में करानी है, अनटिल अनलेस कोई आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं हो। क्योंकि जनरल एनास्थीशिया में आप जब भी 2 घंटे 3 घंटे वो सर्जरी करती है तो आपको उसका कोई पता नहीं लगता दोस्तों। उसके बाद में जो है वो नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है, वो प्लास्टर जब हटाया जाता है उस टाइम पे भी क्या है, नोज़ में ऐसा कोई पेन नहीं होता। तो ये जो है बिल्कुल दिमाग से अपने को मिथ निकाल दीजिए, क्योंकि आजकल जितनी भी जो मेडिकेशंस हैं उसके बाद में भी, सर्जरी के बाद में एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं, तो इसके डर के मारे ऐसा नहीं है कि आप अपने डिफॉर्मिटी को लेके या अपनी विकृति को लेके घूम रहे हैं और बैठे हुए हैं और आप उससे परेशान हैं और पीड़ित हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी है ऐसा पेन नहीं होता। सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द मिथ अबाउट द राइनोप्लास्टी इज यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड जाते जाते YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे फ्रेंड्स आपको आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे, थैंक यू।